नमस्कार आदाब। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक चौराहे पर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की जा रही है। पिछले 3 दिन से लगातार रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, जिसमें सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे को अभी से एडवांस में ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे कई साथी हैं और उन लोगों के सभी सहयोग से ये रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम किया गया है। असद भाई, फैज भाई, सुल्तान भाई और हमारे काफ़ी नाम नहीं लेना चाहता, लंबी लिस्ट है, इसमें हर आदमी ने आकर के इसमें शिरकत की है, मेहनत की है। और आशिकाने हुसैन और दरगाह की 3 बाज़ार की कमेटी और यहाँ दरगाह शरीफ के पास रहने वाले कुछ लोग, सभी लोगों ने मिलजुल कर कितना अच्छा मंगलमय वातावरण राजधानी भोपाल में और श्री कान्हा दूध डेयरी का भी हमें पूरा सहयोग इस रोज़ा अफ्तार में मिला है। कल्ली तिवारी जी, कैसा लग रहा है रोज़ा अफ्तार में यहाँ पर? सही, अच्छा लग रहा है, बहुत ही उल्लास का माहौल है। हमारे क्षेत्र स्टेट बैंक चौराहे पे करवरा रोड पे और भोपाल की गंगा जमुना की तेजीब जो आज सामने देखने को मिल रही है, भोपाल से झीलसी नगरी के अंदर भाईचारा बना हुआ है, सभी समुदाय के लोग यहाँ पे एकत्रित है, बड़ा आनंद पूर्वक माहौल, छटा बिखेरते हुए ये भोपाल के अंदर जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये शायद ही कहीं देखने को मिल रहा होगा। क्या नाम है आपका पूरा? राकेश तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत ही ज़बरदस्त विचार अभी आपने सुने। गंगा जमुना तहजीब को फॉलो करता हुआ ये हमारा एक विशाल जो रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम है, विगत 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है। ईद जैसे कि आप सभी जानते हैं बिल्कुल नज़दीकी है और काफ़ी खुशी का माहौल, हर्षोल्लास दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है रोज़ा अफ्तार में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र बोरिया। वीरेंद्र भाई जी, जी जी, क्या कहना चाहते हैं सब साथियों के लिए, भोपाल वासियों को? अभी साथियों को जो है कि हम अपने शुभकामनाएं देता हूँ। जी 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 जी, चल रहा है, आधा चल रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ रोज़ा अफ्तार आपके क्षेत्र में रखा गया है? अरे बहुत मज़ा आ रहा है जी। विगत 3 दिन से, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रवि सिंह बघेल। रवि सिंह बघेल जी, रोज़ 3 दिन से आप रोज़ा अफ्तार में यहाँ शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। गंगा जमुना तहजीब की मिसाल भी देखने को मिल रही है, क्या कहते हैं? और क्या खुशी हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। शमशेर भाई, कैसा लग रहा है रोज़ा अफ्तार 3 दिन से यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं? समझी से आते हैं, अपने भारत सरकार जो है खुशहाल रहे, अंगराज हुकुम से सब मंजूर के रहें, अंगराज हुकुम से बस, बहुत अच्छा, नहीं अनेकता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक चौराहे पर जो कोई फिजा थाने के पीछे आशिकाने हुसैन और उनकी पार्टी और दरगाह शरीफ के लोग और आसपास 3 बाज़ार कमेटी, 3 बाज़ार की दरगाह कमेटी और स्थानीय लोग ज़बरदस्त रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर रखा गया है, जिसे आप देख सकते हैं एक अच्छी बड़ी तादाद में असद भाई, फैज भाई, सुल्तान भाई और स्थानीय कई लोगों ने इसमें शिरकत कर रहे हैं और पिछले कई समय से यहाँ पर रोज़ा अफ्तार का ये कार्यक्रम चल रहा है। भोपाल गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए आप देख सकते हैं स्थानीय कोई फिजा थाने के पास यहाँ पर जितने स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी मेहनत मशक्कत करके पिछले कई दिनों से लगातार रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम कराया जा रहा है। आशिकाने हुसैन, कभी दरगाह कमेटी और मस्जिद कमेटी के लोग भी, स्थानीय लोग भी, आसपास के जितने लोग हैं सभी की यहाँ पर शिरकत हो रही है और सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, जिसमें बस 1 या 2 दिन में ही ईद होने वाली है और भोपाल शांति का टापू और गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर कायम है। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से भोपाल। बहुत ही ज़बरदस्त।
राजधानी भोपाल शहीद नगर से आसिफ खान, कड़ी पुलिस।